लेकिन मुझे लेना तो ये है भाई। ये देखें आप, पहली बार आप ऐसा गुजिया बनाते हुए देखेंगे कुछ नए स्टाइल में। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत गाइस हो रही है दोपहर के 2 बजे से। पिछला ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं गया था खाटू श्याम महाराज जी के दर्शन करने और उसके बाद वहां से सालासर बालाजी के दर्शन करने। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। एंड आज की ब्लॉग की गाइस शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। अभी मैं सोकर उठाऊँ भाई, इतना ज्यादा थकान हो गई थी। रात में 2 बजे में पहुंचा था जैसा कि आपने पिछला ब्लॉग में देखा होगा। एंड अभी भाई दोपहर के 12 बजे में सोकर उठाऊँ, इतना ज्यादा थकान हो गई थी। और अभी जाना है हमें थोड़ा सा सामान वामान खरीदने और शायद से कूलर भी खरीदेंगे, वो देखेंगे वहां पर चलकर और देखते हैं क्या क्या खरीद पाता हूँ क्या नहीं खरीद पाता हूँ। ऐसा कुछ प्लान है, थोड़ा खरीदारी करना है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठंडक तो खत्म हो गई, तो उसके लिए कूलर भी लेना है। तो देखते हैं और भी क्या क्या ले पाते हैं, तो पहले तो चलते हैं। तो भाई हम आ गए हैं लॉजिक्स मॉल, अंदर से मस्त बनाया हुआ है भाई। भाई नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के ठीक पास में ये मॉल है। ये देखो आपको सामने दिख रहा है मेट्रो स्टेशन। और अभी मैं आया हूँ कूलर देखने के लिए। ये है उषा का और ये है बजाज 55 लीटर का है। कूलर का ऑप्शन कम दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आया ही नहीं है। बाकी फ्रिज व्रिज हैं, सब सारी चीज़ें रखी हुई हैं। डिस्प्ले पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक उषा का और एक बजाज का कूलर। बाकी देखो मॉल कितना मस्त बनाया हुआ है। तो अभी चलते हैं क्रोमा के अंदर देखते हैं। इसका फ्लो भी कम है। अच्छा, आपका 12x12 का कमरा करेगा, वो 20x20 कमरा करेगा। सबसे बेस्ट यही लग रहा है। इसका फ्लो ज़्यादा ना 20x20 कमरा तो करेगा, इसका 376 है। इसमें थोड़ा गर्म हवा दे रहा है और इसमें एकदम ठंडा ठंडा। बाकी इधर भी कूलर रखे हुए हैं बट पसंद यही आ रहा है अपने को। 51 लीटर का है। ऑनलाइन में ये मॉडल भी नहीं दिख रहा है, नया नया आया हुआ है। पीछे से ऐसा है, बंद हो जाता है इसको, पानी इधर से काटता है। इसमें जाली दे रखी है। अच्छा, ये कॉपर कॉपर फैन है। तो भाई पसंद तो यही आ रही है। और इसके अंदर जो फैन है ना वो स्टील के हैं और बाकी सब प्लास्टिक वाले हैं, फाइबर। भाई ये मोबाइल देखो, काफ़ी टाइम के बाद मैं देख रहा हूँ। इसका ज़माना तो चला गया और दोबारा भी आ गया भाई। और इसका रेट 3499। लेकिन मुझे लेना तो ये है भाई, ये जो मैं हाथ में लिया हूँ, अलग फीलिंग आ रही है हाथ में लेने के बाद। मस्त है, मस्त है भाई। इसका भौकाल ही अलग है और रेट भी भाई भौकाल ही है। ये लैपटॉप देखो कितना मस्त है। ये देखो इसके नीचे गेमिंग लैपटॉप है, 99,990 रुपये का है। देखो भाई, आपको किसी भी सामान की जानकारी होनी और जानकारी करनी बहुत ज़रूरी है, तो हमने भी वही किया। हमें तो पसंद आ गया कूलर बट हम अभी लेंगे नहीं, उसको थोड़ा और भी रिसर्च करेंगे उसके बाद लेंगे और एक दो जगह और देखेंगे। सोच रहा हूँ ले लूँ, देखते हैं आगे क्या करते हैं या नहीं करते हैं। बाय द वे अभी मैं आ गया हूँ ग्रोसरी का सामान लेने, तो अभी लेते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। मिल्क पाउडर भी लेना है। तो भाई बहुत कुछ ले लिया हूँ, चलता हूँ बिलिंग करवाने के लिए, नहीं तो सामान ही लेते रह जाऊँगा भाई। मॉल में क्या है, मॉल में घुस जाओ एक बार बस, उसके बाद तो भाई बिल ही बिल बनता है। सेम ब्लॉग अनदर डे। तो भाई कल हम आ गए थे कूलर देखने के बाद वापस घर पर और हमें भाई पसंद तो भाई वही कूलर आया और आईफोन जैसा कि मैंने आपको दिखाया। भाई एक दिन तो लेना है आईफोन, मस्त भाई एकदम हाथ में लेकर, वाह भाई वाह, अलग ही फीलिंग आती है भाई। और आज हो रही है होली में कुछ बनाने की तैयारी, जैसा कि होली में बनता ही है। और आज मैं पहली बार इस मोबाइल से 180 पिक्सल पर 60 FPS पर शूट कर रहा हूँ, बट इसमें क्या है ना, स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैमरा जो है बहुत ज्यादा रोटेट हो रहा है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा ऐसे 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 हिल रहा होगा, अभी तो काफी ज्यादा हिल रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा हिलाया ना तो आपको लगा होगा। तो बाकी छोड़ते हैं, आज ही ये ब्लॉग बना रहा हूँ इस टाइप का और इस कैमरे से। तो ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट टाइम में देखूंगा, अच्छा नहीं अगर लगेगा तो फिर वही सेम जैसे मैं पहले करता था वैसे ही शूट करूंगा। तो अभी बनाते हैं भाई गुजिया, और होली में यहाँ पर गुजिया बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये है खोआ और यहाँ पर गुजिया बन रहा है, नए स्टाइल से देख रहे हो बन रहा है भाई। ये देखो गिलास से बन रहा है, आपने रियरली ऐसा नहीं देखा होगा कि भाई गिलास से भी गुजिया बनता है, तो नए स्टाइल से गुजिया बन रहा है भाई गिलास से।
तो देखते हैं बाकी कैसा बनता है। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से बन रहा है, मस्त बन रहा है भाई। बाकी मैं भी ऐसा पहली बार बनाने का ट्राई करता हूँ, मैं भी ज्वाइन हो गया हूँ बनाने के लिए भाई। तो यहाँ पर ये आ गया है, तो इसको इसमें डालते हैं। तो अभी इसको इसमें डालते हैं, ठीक बीच में डालना होता है ऐसे। उसके बाद ये किनारे किनारे जो है पानी लगाना होता है भाई। पहले मैं मशीन से बनाया हूँ, बट ऐसा पहली बार बना रहा हूँ कुछ नए स्टाइल से। तो इसको ऐसे करना होता है, ये देखो कुछ इस तरीके से। और फिर ये देखो ग्लास रख कर, और इसको ये लो जी कट गया, एकदम नया स्टाइल है भाई। और इससे हमें ऐसे मतलब इसको लॉक करना है, ये देखो भाई। ये देखो आप क्या मस्त तरीके से बना है ना। बाकी ये तरीका एकदम नया है, गुजिया बनाने का स्टाइल कुछ अलग है। पहली बार आपने ऐसा देखा होगा और पहली बार मैं भी ऐसा देखा हूँ और अभी बना रहा हूँ। तो अभी एक बनाया हूँ, आपने देखा कैसा बना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना। और भी बाकी सारा बनाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो भाई अपना जो गुजिया है वो बनकर हो गया है रेडी, और यहाँ पर चल रहा है गुजिया का ट्रायल, क्योंकि पहली बार इस तरीके से बनाया गया है तो ट्रायल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कितना मस्त तरीके से भाई गुजिया बन रहा है, एकदम फूल रहा है मस्त तरीके से, करारा करारा वाला एकदम बन रहा है। ये चेक करें भाई, मुझे तो लगा था फूलेगा ही नहीं भाई, ऐसे पचक पचक सा जाएगा, बट भाई फूल रहा है मस्त तरीके से, फूल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नए तरीके से गुजिया बनाने का, और जो अपना ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो गया। ये छोटा वाला ट्राई करके देखते हैं। ओ गर्म है, बहुत गर्म है खोआ अंदर से, ये देखिए मस्त बना हुआ है, कुरकुरा, टेस्टी है टेस्टी।